जर्मनी में आम चुनाव में वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं और बेहद करीबी मुकाबले में चांसलर एंजेला मार्केल की पार्टी को हरा दिया है। नई संसद के लिए हुई वोटिंग के रिजल्ट्स में सोशल डेमोक्रेट सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। मार्केल की जगह लेने के लिए तीन नेता रेस में हैं। नतीजों के हिसाब से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को नई सरकार के गठन के लिए काफी जोड़ तोड़ करना होगा। जर्मनी में हुए संसदीय चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को 25.7% वोट मिले हैं। इसके बाद 24.1% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर एंजेला मार्केल की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यानी CDU पार्टी रही। तीसरे नंबर पर 14.8% वोट के साथ ग्रीन पार्टी रही है। हालांकि अभी चांसलर का चुनाव करने में कुछ वक्त लग सकता है और इसी के साथ 16 साल तक जर्मनी की सत्ता में रही चांसलर एंजेला मार्केल की विदाई हो रही है। मार्केल ने चुनाव के पहले ही साफ कर दिया था कि वो इस बार चांसलर की रेस में नहीं है। अब चांसलर बनने की रेस में जो तीन नाम चल रहे हैं वो हैं, पहला नाम आर्मिन लाशेट जो कि एंजेला मार्केल की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यानी CDU से है, दूसरा नाम ओलाफ शॉल्ट्स जो कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से है और तीसरा नाम एनालेना बेयरबॉक जो कि ग्रीन पार्टी की स्ट्रांग महिला कैंडिडेट हैं। दरअसल भारत की तरह जर्मनी में भी लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था है, लेकिन चांसलर चुनने का तरीका अलग है। भारत में चुनाव के पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जरूरी नहीं है। जर्मनी में सभी दलों के चांसलर कैंडिडेट का नाम बताना जरूरी है। चांसलर के नाम और चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। अगर उसकी पार्टी या गठबंधन चुनाव जीतता है तो उसे संसद में अपने लिए बहुमत जुटाना होता है।